निधि की लाख कोशिशों के बावजूद, लाख साजिशों के बावजूद भी प्रीता जो है वो लूथरा फैमिली के सामने आने वाली है, करण के सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड कुंडली भाग्य में आप देखने वाले हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि राजवीर जो है वो जेल से निकल जाएगा और उसे निकलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद करण होगा। करण जो है वो राजवीर को बिल्कुल फ्री करने वाला है और ये देखकर शौर्य और निधि बहुत ही नाराज़ होंगे। ख़ासतौर पर यहाँ पर निधि की बोलती बंद हो जाएगी क्योंकि निधि को लगभग सब बातें पता हो चुकी हैं। निधि को ये बात पता चल चुकी है कि राजवीर जो है वो प्रीता का बेटा है और यहाँ पर जो है ये भी वो जान चुकी है कि प्रीता जिंदा है। सारी चीज़ें जो है उसे पता चल चुकी हैं। अब निधि बहुत सारी प्लानिंग करती तो नज़र आएगी लेकिन उसकी सारी प्लानिंग को फेल करता नज़र आने वाला है करण, क्योंकि अब जो है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि निधि की सारी साजिशें जो है वो पूरी हो। अभी तक तो आपको पता ही था कि जैसा कि आप सब लगातार देख रहे हैं कि प्रीता से ना मिल पाए करण, इसके लिए निधि बहुत सारी प्लानिंग कर रही है। और देख लीजिए यहाँ पर प्रीता की मुलाकात जो है वो पुलिस स्टेशन में ही होने वाली थी लेकिन वहाँ पर भी होते होते रह गई। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिला मोहित का। जी हाँ, मोहित का जिक्र इसलिए क्योंकि मोहित ने जो है बहुत ही अच्छी तरह से राजवीर के साथ अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभाया है। राजवीर की मॉम प्रीता को कुछ इस तरह से यहाँ से बिठा कर लेकर गया ताकि प्रीता और करण का आमना सामना ना हो। किसी भी हालत में करण जो है वो प्रीता को ना देखे, इसी वजह से मोहित जो है यहाँ पर झूठ बोल कर लेकर आया है। और जब वो यहाँ पर पहुँचता है यानी कि घर पर पहुँचता है तो अपनी मॉम से ये बोलता है कि प्लीज़ मॉम थोड़ी सी मदद कर देना, यानी कि यहाँ पर जो है वो झूठ बोल कर आया था कि उसकी मम्मी जो है वो गिर पड़ी हैं, इसी वजह से मुझे जाना होगा और आपको भी चलना होगा प्रीता जी। और फिर जैसे ही प्रीता घर पहुँचती है वो देखती है कि सब कुछ ठीक है और साथ ही साथ जो मोहित की मॉम होती है वो भी कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर सृष्टि जो है वो सारी बात समझाती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा झूठ बोल दीजिए, हम लोगों ने ऐसी ऐसी प्लानिंग की थी। ये बात जो है वो मोहित की मॉम समझ नहीं पाती लेकिन फिर भी इतनी स्वीट है वो कह देती है कि हाँ हाँ मेरे सिर में दर्द हो गया था, मैं गिर पड़ी थी। तो यहाँ पर मोहित का बहुत अच्छा सा बॉन्ड देखने को मिला। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो निधि है वो बहुत सारी चालें तो चलने वाली है क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि अगर प्रीता जिंदा है और राजवीर प्रीता का बेटा है तो अब तक प्रीता जो है वो लूथरा हाउस क्यों नहीं आई। ये बात पूरी तरीके से सच इसलिए है क्योंकि प्रीता जिस हालत में लूथरा फैमिली में गई थी, जिस हालत में उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, शौर्य को छीन लिया गया, ये सारी चीज़ें जब प्रीता को याद आएंगी तो वो लूथरा से नफरत ही करने वाली है। और फिर यहाँ पर जो लूथराज हैं उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो क्या कहें क्योंकि गलती तो उन्होंने की है। राखी ने जिस तरह से प्रीता को घर से बाहर निकाला, करीना ने भी काफ़ी अजीब तरीके से व्यवहार किया प्रीता से। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कहानी किस तरफ टर्न लेती है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।